हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राना अकेडमी दस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा फ्रेंड्स एक न्यूज इज मेकिंग द लाउडेस्ट ऑफ नॉइजेस एंड आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुन टाइम दैट वी शुड मेक अ स्मॉल डिस्कशन ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन लद्दाख तो तुमको कुछ चीजें न्यूज में दिखाई दे रही है एंड वन वंडर्स की इस, इस न्यूज को जिसमें मिस्टर वांचुक इज नाउ सिटिंग ऑर एटलीस्ट अब तक सबसे थोड़े समाइम पहले तक यूर सिटिंग ऑन वॉट इज कॉल्ड और फास्ट टू डेथ लेकिन यह सब मुद्दा था क्या ना वन वेज की इस न्यूज को किस एंगल से देखा जाए शुड वी लोकेट एट इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स और आई से नो लेटेस्ट वॉच दिस वीडियो लेटेस्ट एनालाइज दिस वीडियो इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिटी टॉपिक तो क्या हम इस पूरे टॉपिक में से एक बहुत ही जबरदस्त आई विल शो इट टू यू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट दबरदस्त तरीके से एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉलिटी टॉपिक हम इस न्यूज में से देख सकते हो विच माइट कम हैंडी फॉर यू इन द

Controlled learning environment without any time pass, making sure ki we are trying to create a realistic chance of cracking the UPSC Civil Service Examination. You're most welcome to join me on an Academy. All you have to do is use the special code SIDLIVE SIDLIVE. So I take quality Governance International Relation and PSI are optional on an academy, and this is what I have achieved over the last few years with 300 and 300 million watch minutes more than 260,000 followers and thousands and thousands of these messages which are a uh, proof that I have been able to help my learners in at least some measure to try and crack this so-called toughest exam in the world so let us pay attention to this entire part and this is my telegram channel if you are on telegram channel or to join then pause this video और इस कोड को अपने मोबाइल कैमरा से स्कैन करना यू कैन ज्वाइन मी ऑन माइ टेलीग्राम चैनल सो ये है न्यूज तो इसमें सोनम वांगचुक एंड ट्वेंटी लद्दाख डिमांड्स सो ये अभी रिसेंटली हुआ तो ये ट्वेंटी सिक्स मार्च की न्यूज है राइट सो right? so, ये काफी टाइम से चल रहा था दिस वॉज गोइंग ऑन फॉर ट्वेंटी वन डेज राइट अपरेंटली दिस शन लेकिन अभी भी यह बात खत्म नहीं हुई है इन द सेंस की यह ब्रेकिंग न्यूज पास नहीं है यह ब्रेकिंग न्यूज दिस इज अज इन प्रोग्रेस बिकॉज इफ आई गो बाई वॉट इज अ ट्विटर अकाउंट और मिसा वांग वो बोल रहे हैं कि अभी ये कंटिन्यू होगा अभी और ग्रुप ज्वाइन करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं राइट मेरी ना आदत है जो लोग मुझसे पढ़े हुए ना मैं क्लास में ना मैं स्पेशल क्लासेस में ना मैं यूट्यूब पर कभी भी सेंसेशन ढूंढता नहीं हूं तो मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं दिस एक्चुअली बेक्स बेक्स अ क्वेश्चन दिस 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 एन आंसर टू सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड राइट तो आज का सिनॉप्सिस विल बी डिवाइडेड थ्री पार्ट पहला है वॉट आर द इश्यूज रिलेटेड टू लद्दाख ओके दिस यू कैन स्टडी एज थोड़ा बहुत मीडिया सेंसेशनल थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत इवेंट्स लेकिन मेरा पॉलिटी का टॉपिक आएगा व्हाट इज द दिक्कस शेड्यूल एंड व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द ग्रुप्स इन लद्दाख तो बहुत तो ध्यान से पढ़ना ओके एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम थोड़े नोट्स भी बनाते हुए चलो तो इट विल हेल्प यू इन द एंटायर कॉन्टेक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब हो क्या रहे सो लेटेस्ट अंडरस्टैंड आप तीन पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे बहुत ध्यान से इसको समझ लेना और उसके बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें तो कभी भी पढ़ना पड़ेगा बिफोर आई स्टार्ट We are at an academy where all our prices are very very transparent. We have a wholly special offer going on, which is at 50% off plus six months extension. Please take opportunity. Please don't forget to use the code Sidlive. is My referral code hai. and this is an amazing offer. Ek baar prices dekho. It is so reasonable. Make sure that you take full opportunity. we have batches आ रहे online classroom program as well as missionized batch. थर्टी फर्स्ट मार्च को हमारा अन अकेडमी यूपीएससी विच इज कॉल्ड एज ऑल इंडिया प्रिलिम्स मॉक होगा थर्टी फर्स्ट मार्च को दो पार्ट में होगा एक सुबह साढ़े नौ बजे एक साढ़े बारह बजे सो इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्लीज लेट्स नॉट ब्रिंग पॉलिटिक्स एंड टू दिस डिस्कशन आई टीच पॉलिटी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स सो राजनीति या फिर सेंसेशन ढूंढ रहा है या फिर कोई कॉन्ट्रोवर्सी ढूंढनी है यू आर इन द रोंग चैनल यू आर एट द रॉन्ग वीडियो मैं यहां पर कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ ये बहाना है हमको तो सिर्फ पढ़ाना है पॉलिटी सो so, हो क्या रहा है बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और द यूनियन होम मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने भी इनसे मुलाकात की लेकिन एपरेंटली अभी तक देर इज नो हेडवे अभी तक देर इज नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम सो लेट मी एक्सप्लेन कि सर यह क्या प्रॉब्लम है राइट और व्हाट इज द सिचुएशन नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस ट मी एक्सप्लेन दिस स्टोरी टू यू कंप्लीटली सो स्टोरी के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा सो व्हाट इज द बैकग्राउंड सो फिफ्थ ऑगस्ट 2019 को एक बड़ा मेजर चेंज हो गया फिफ्थ ऑगस्ट 2019 को आर्टिकल 370 जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था उसको आई डोंट से नल एंड वाइट बट एब्रोगेट किया गया एब्रोगेट भी नहीं किया गया उसको सिर्फ थोड़ा सा रीड डाउन किया गया मॉडिफाई किया गया नाउ उससे पहले फिफ्थ ऑगस्ट 2019 से पहले थ्री सेवन जीरो मच इन कॉन्ट्रोवर्सी ये पता नहीं होगा नहीं होगा एक्सेट्रा सब्सिक्वेंटली जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया नाउ 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि अस्तवाइ जम्मू एंड कश्मीर था उसमें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वॉज अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड कॉल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर 5th August 2019 के इस स्टेप के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो जब जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो जम्मू कश्मीर एज वेल एज लद्दाख इन सब लोगों को एक स्टेटहुड वाले सिचुएशन सिचु, सिचु से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया ना इन अ वे इन अ वे एक बड़ा वेलकम स्टेप है लेकिन इन अनदर वे एक और थॉट प्रोसेस ये आया कि देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के अनुसार यूनियन टेरिटरी को आप यह बोल सकते हो कि ये एक स्टेज डाउन कर दिया गया बिकॉज जब हम स्टेट की बात करते हैं फुल स्टेट की बात करते हैं तो इट इज प्योर यू नो वो सेवन शेड्यूल हमारे पास यू यूनो तीन लिस्ट है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट यूनियन टेरिटरी को जब मैं समझा तो समझाता भी हो तो मैं बोलता हूं यार ये यूनियन की टेरिटरी बन गई क्वेश्चन मार्क्स रेस और यूनियन टेरिटरी हो गए सेम डिमांड यहां पर भी हो रही है हमेशा क्या मांगते रहते फुल स्टेट उड़ दो तो हम लोग हमेशा ये इस बात को मांगते रहते हैं सो फिफ्थ ऑगस्ट ट्वेंटी नाइनटीन के स्टेप के बाद एक वेलकम स्टेप हुआ लेकिन एक और कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट गई सो कॉन्ट्रोवर्सी ये स्टार्ट गई कि 370 में कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स थे वो तो चले गए और दूसरी सिचुएशन यहां पर होगी कि कुछ ग्रुप्स कुछ ग्रुप्स विद इन लद्दाख वो लोग मांगने लग गए ग्रेटर शेयर ऑफ ऑटोनॉमी वो बोलने लगे कि हमको ज्यादा ऑटोनॉमी दो ताकि हम अपने एरिया के बारे में लॉ बना सके ये स्टोरी यानी कि समवेयर इन 2019 हुआ है ओके वहां से कहीं से ये इमर्ज स्टार्ट हुआ एक्चुअली ये स्टोरी स्टार्ट होने लगी थी 2020 में लेकिन ये डिमांड कुछ ग्राउंड्स पे है कि ऐसे ही है सो लद्दाख को लगता है कि लद्दाख सिंस इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट काइंड ऑफ थिंग उनको लगता है कि क्योंकि उनके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है वो अपने कानून नहीं बना सकते उनको फुल स्टेटवुड नहीं है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है उनकी डेवलपमेंट को कोई ध्यान नहीं दे रहा है वहां पर जो यूथ है उनको किसी तरह की एंप्लॉयमेंट में कमी है एंड सो ऑन एंड सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टोरी दिस इज वन पार्ट पहला ध्यान में यह है कि हमें फुल स्टेट उड़ दे दो राइट right? हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए हमको फुल स्टेट उड़ दे दो न दिस इज समथिंग दैट इवन जम्मू एंड कश्मीर इज बीन डिमांडिंग तो नथिंग वेरी बिग अबाउट इट तो फिर मेजर इशू क्या है 2020 से एक वर्ड बार 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 आ रहा है एंड दैट वर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड एंड ऑटोनोमी ऑटोनोमी कहा स्टेट समझ में आ रहा है लेकिन वेन यू टॉकिंग ऑफ ऑटोनॉमी तो ये 2020 से ये क्या मांग रहे क्यों ऑटोनॉमी की बात हो रही है न दिस टू बी अंडरस्टूड इन अनदर वर्ड और वो डिमांड जो डिमांड हो रही है वो डिमांड है द लद्दाख को सिक्सथ शेड्यूल में इंक्लूड करने की सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड इज कि देर एज टू कि लद्दाख को तुम सिक्स शेड्यूल का पार्ट बनाओ ये क्या है और ये ही है सारी ये कहानी जिसको आपको समझना पड़ेगा एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस उसके बाद तुमको ये पॉलिटी का टॉपिक लगेगा राजनीति या पॉलिटिक्स का टॉपिक नहीं लगेगा तो बार्डोलॉय कमेटी के अनुसार ओके okay, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के डिस्कशन हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था एक फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखना प्लीज अंडरस्टैंड एंड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर वेरी क्लियर अबाउट सर्टन थिंग्स दे वर वेरी क्लियर कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जरूरत है वहां पर तो बना देते नो डाउट अबाउट इट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो पहले से एक फंक्शनल स्ट्रक्चर चल रहा है कहीं कहीं पर फंक्शनल स्ट्रक्चर चल रहा है वहां की गवर्नेंस चल रही है वहां पर ऑटोनॉमस काउंसिल्स वर्क कर रहे उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे सी थिंक अबाउट इट यार बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है उन्होंने बोला कि हम एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे बट डज नॉट मीन कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू अप्रूव समथिंग दैट इज ऑलरेडी फंक्शनिंग तो वहां पर दिखाई दिया एटलीस्ट द ट्राइबल राइट इन फोर स्टेट आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम यहां पर उन काउंसिल्स की बात की गई उन सरकारों के उन स्ट्रक्चर्स की बातें की गई जो कि ऑलरेडी इन चार स्टेट्स में फंक्शन कर रही थी बोला कि ये जो ट्राइबल एरिया होते हैं मैंने ऐसे ट्राइबल एरिया शेड्यूल ट्राइब की बात में बोला जो ट्राइबल एरिया है और चार स्टेट्स की बात की गई आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम में जो ट्राइबल्स है जो शेड्यूल ट्राइब्स जिनको बाद में नाम दिया गया वो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका कई सालों से कई जेनरेशन से ऑटोनॉमस वे में उनका स्ट्रक्चर चल रहा है बी दैट उनका वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वहां पर लैंड एलियनेशन के राइट्स क्या है वहां पर जमीन के कानून कैसे मैट्रिमोनियल इनहेरिटेंस राइट्स क्या है बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनफैक्ट हम उसको कंजर्व करेंगे हम उसको प्रिजर्व करेंगे इस इरादे से सिक्स शेड्यूल बनाया गया एंड ये गारंटी दी गई कि जो इन चार स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज है वहां पर हमारी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी सो आई रीड दिस लाइन और ये एग्जैक्टली exactly बाबा साहेब के लाइन है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट उन्होंने बोला देर आर सर्टन इंस्टीट्यूशन द हिल ट्राइबल्स विच इन माई ओपिनियन आर सो गुड दैट इफ यू वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय देम आई कंसिडर्ड इट टू बी वेरी रॉन्ग

सिक्स शेड्यूल का इरादा यह था कि जो ठीक ठाक चल रहा है इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर है वो किस तरह से अपने सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है उनके लॉस कैसे फंक्शन करते वो चल रहे तो जस्ट बिकॉज कि मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन नया लिख रहा हूं ओके इन द सेंस ऑफ 1950 वाला कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने बोला आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब समथिंग दैट इज ऑलरेडी फंक्शन सो आई एम नॉट गोइंग टू मेंड समथिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकन सो ही सेड कि इनको तो ऑटोनॉमी ही मिलनी चाहिए तो चार स्टेट्स को चार स्टेट्स को पिन पॉइंट किया गया असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम और इनके जो डिस्ट्रिक्ट जो हिल ट्राइबल काउंसिल्स होते हैं जो ऑटोनॉमस काउंसिल्स होते हैं उनको पूरी की पूरी आजादी दी गई सो तो यहां पर वर्ड था ऑटोनॉमी यहां पर था ऑटोनॉमी द स्वाता शेड्यूल एम्स फॉर ऑटोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया और उनके लिए बनाए गए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यही है बात तो सिक्स शेड्यूल में जो बनाया गया है सिक्स शेड्यूल में जो बनाया गया है वही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आज एक और बार एक और बार हमारे डिटेल में आ रहा है और हमारे थॉट प्रोसेस में आ रहा है बिकॉज लद्दाख भी यही मांग रहा है लद्दाख बोलता है जैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है वो अपने लॉज बना सकते हैं उनकी अपनी जो हो सकती है विद रिलेशनशिप टू लैंड फॉरेस्ट कल्टीवेशन इनहेरिटेंस इंडिजिनस कस्टम्स ट्रेडिशन ये सब कुछ ये जब सब चीजों को जब तुम वहां के लोगों को जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको वहां की जमीन वहां के रिसोर्सेस पर कंट्रोल दे दोगे तो ऑटोनॉम उसी को तो ऑटोनॉमी बोलते हैं जब कंट्रोल दे दोगे तो वो अपना कल्चर बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे वॉट अ ब्यूटिफुल थॉट तो सर क्या लद्दाख में यह सिचुएशन हो सकती है हो सकती है लद्दाख में ये सिचुएशन हो सकती है क्योंकि लद्दाख में राइट right, ये रिक्वायरमेंट है सो so, पहला मैं नंबर वन नंबर टू के जगह इसको आप नंबर टू से स्टार्ट करो सो की डिमांड इन कि सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में लद्दाख में डालो 97 सेवन परसेंट ऑफ द पॉपुलर्स वहां पर ऑलरेडी कैटेगराइज है शेड्यूल ट्राइब तो तुम लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा So, ये बोलते हैं कि जब तुम आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में चार स्टेट्स में तुमने प्रोटेक्शन किया हुआ है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के नाम पर हमारे यहां पर तो सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है तो लद्दाखी ट्राइब्स के बारे में तुमने पढ़ाई होगा देर आर सेवरल सेवरल सब्सटेंशियल पॉपुलेशन और सेवरल टाइप्स ऑफ दीज ट्राइबल पॉपुलेशन तो क्यों हमको क्यों नहीं देते हो दिस इज डिमांड नंबर वन एक्चुअली पॉलिटी के अनुसार यह एक बड़ा ही सॉलिड कॉन्सेप्ट हो गया कि सिक्स शेड्यूल की डिमांड हो रही है आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के साथ साथ लद्दाख बोल रहा है हमको भी सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड कर लो बिकॉज वी आर ऑन द सेम स्टैंडिंग एज दीज फोर स्टेट अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि तुम हम लोगों के पास क्योंकि तुम हम लोगों को यूनियन टेरिटरी बना रहे हो और हमारी रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो रही है तो हमारे लिए एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए जो हमारी वहां पर रिप्रेजेंटेशन हो जाए इन टर्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो पार्लियामेंट में हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाए सो so, पॉइंट यहां पर यह है कि लद्दाख इज आस्किंग फॉर अ बिगर रिप्रेजेंटेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ताकि उनके फैसले हो पाए ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि लद्दाख बोल रहा है कि हम लोग का जो इकोसिस्टम है वो काफी फ्रेजाइल है राइट right. हमारे यहां की जो द टोइ लेक्स है जो है ये सब बड़ा फ्रेजाइल सिस्टम है और जैसे जैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हो और अगर उस डेवलपमेंट में हमसे ना पूछा जाए तो वो अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट हो जाएगा तो प्लीज अंडरस्टैंड एक साइड पे बोला जा रहा है हमें सिक्स शेड्यूल में डाला जाए सिक्स शेड्यूल में इसलिए डाला जाए ताकि हमारा बिगर से ऑन वॉट इज हैपनिंग इन लद्दाख और अगर ऐसा नहीं होगा और तुम अनरेगुलेटेड स्पोराडिक या फिर अनकंट्रोल डेवलपमेंट करोगे हमारा जो इकोसिस्टम है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसमें हमारा से ही नहीं होगा तो ये तो बहुत मैसिव नुकसान हो जाएगा इनफैक्ट द पॉइंट कि हमारे तो से वाटर डेफिशिएंसी है बिकॉज इट्स अ वेरी डेजर्ट लाइक सिचुएशन तो हम तो चाहते हैं कि जितने हमारे रिसोर्सेज है जितने लैंड है उस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल हो वरना बिफोर यू नो इट लद्दाख वुड हैव टू फेस सम एडवर्स बिकॉज ऑफ नंबर नंबर डेवलपमेंट अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट तो ये दो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लद्दाख मांग रहे तो ये बोल रहे कि जी वी वांट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ट्राइबल्स और ये इरादा शेड्यूल का है सिक्स शेड्यूल का इरादा ये था टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ट्राइबल्स लिविंग विद इन लार्ज स्टेट डोमिनेटेड बाय मेजोरिटी तो जितना ज्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी आ जाए और डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस आ जाए यही सिक्स शेड्यूल की डिमांड होती है तो नाव दो चीजें मांगी गई एक हमें फुल स्टेट ऊट दे दो तो, ओके okay, हमें ज्यादा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दे दो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको सिक्स शेड्यूल में डाल दो ताकि वी हैव अ ग्रेटर से ऑन थिंग्स वॉट इज है और एक बार वो हो जाएगा तो लद्दाख विल नॉट फेस एडवर्स सिचुएशन ऑन एनी ऑफ दिस सिचुएशन सो so, मैं तो इस पर बहस कर नहीं सकता बहस तो तुम्हें पता होगी सो वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू सो वॉट आर योर व्यूज ऑन दिस मैटर कि ये एक डिमांड है मैंने तुम्हें सारा ग्राउंड वर्क समझा दिया कि यस देर इज अ डिमांड ऑन द स्पॉट बट इज दिस डिमांड और इज दिस डिमांड सो अर्जेंट वट इज सो अर्जेंट अबाउट इट कि मिस्टर वांचो को यू नो फास्ट एन टू डेथ पे बैठना पड़ा ऑल्सो जो मैंने तुम्हें पहला पहला पार्ट ये बताया था जहां से मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की थी कि ये ऐसा नहीं हुआ है कि ये मैटर सेटल हो गया ये मैटर जो आई होप यू नोटिस दिस डिमांड आल्सो पब्लिक सर्विस कमिशन की डिमांड हो रही है एज वेल एज इंक्रीज इन पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन हो रहा है लेकिन द स्टोरी इज स्टिल स्टिल डेवलपिंग कुछ खत्म नहीं हुआ है इनफैक्ट ये करंट अफेयर ऐसा है कि इट इज स्टिल हैपनिंग तो अब मैं यहां पर रीड कर रहा हूं प्रोटेस्ट एंड हंगर स्ट्राइक्स इन द यूनियन टेरिटरी डिमांड्स स्टेटहुड एंड ट्राइबल राइट प्रोटेक्शन अंडर सिक्स शेड्यूल ये तो मैंने तुम्हें बता दी

ऑफ दीज डिमांड एंड हाउ मे ऑफ यू आर नॉट एंड प्लीज गिव रीजन राइट प्लीज गिव जाय रीजन थिंकिंग अबाउट स्टेटहुड का क्या एक्सपेक्टेशन होती है फिफ्थ ऑगस्ट ट्वेंटी नाइनटीन के बाद आर्टिकल थ्री सेवेंटी जाने के बाद क्या चेंजेस आए हैं जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन सब चीजों को एक सर्कल बनाओ एंड इन द लाइट ऑफ दीज फैक्ट एक बार कमेंट करो कि वॉट कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन टू दिस एंड हाउ सो मुझे लगता है कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एक छोटे से टाइम पीरियड में हमने ये बात समझ ली आज के हमें जो टॉपिक जो प्राइमरली मुझे जो पॉलिटी का टॉपिक दिख रहा है वो दिख रहा है ऑब्वियसली स्टेट एंड दूसरा सिक्स शेड्यूल सो मेक श्योर दैट यू रीड दिस एक बार वीडियो को देख लो अपने नोट्स बना लो और सिक्स शेड्यूल पर रिलेटेड सारे एमसीक्यूज भी कर डालो It will help you in your upcoming exam. I hope you have enjoyed this. And before I sign off, a very important announcement for all of you. Please don't forget this. We have an holy offer going on for 12 months as well as for 18 months. Take full opportunity of this part. Use my code SID SIDLIVE S -I -D -L -I -V -E, and join us. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jahin.